चलिए आपको लिवा चलते हैं। तो दरी बांध का बेलन है उत्तर साइड। अब हम लोग अभी सिरसी फॉल के ऊपर से चल रहे हैं और यहाँ से ही पानी बराबर गिरता है। और यहाँ जब बरसात होती है चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा तादाद में बाढ़ आ जाता है। बहुत अच्छा यहाँ का दृश्य है, आप देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लगभग एक घंटे से शूट कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य जगह है। प्रकृति ने कितना अच्छा इस तरीके से कहा जाए कि पत्थरों पे नकाशी करी हुई है, बराबर यहाँ पे पानी गिरता रहता है। आप देख सकते हैं कि भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि उन्होंने हर एक पगडंडी पर बढ़ चढ़ के हमारी लोगों की मदद करी। और ये भी चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर आएँ घूमने के लिए। यहाँ के स्थानीय लोगों का भी ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिरसी पर आएँ, लखनिया दरी पर आएँ, टांडा फॉल पर आएँ, बिल्डम फॉल पर आएँ, चूना दरी पर आएँ, देव दरी, राज दरी, जितने भी जगह हैं यहाँ पर लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आनंद की अनुभूति करें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग घूमने के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे मिर्ज़ापुर में विद्यमान हैं यहाँ पर हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग काफ़ी ऊँचाई पर हैं और यहीं से पानी नीचे गिरता है। पहाड़ों का श्रृंखला है, बराबर यहाँ पे पानी गिरता है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं और बहुत ही दिव्य जगह है जिसको आप अपने आँखों से अवलोकन कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सुंदर और अलौकिक मिर्ज़ापुर को लोग देखें, अनुभव करें। और ये बहुत ही ज़रूरी भी है, क्योंकि प्रकृति ने मिर्ज़ापुर को बहुत ही अनोखे और सुंदरता से नवाजा है। हम लोग असफल हो रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ की सुंदरता के बारे में लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। तो ये प्रयास है हमारे लोगों का कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिर्ज़ापुर की सुंदरता के बारे में बताएं, ताकि लोग यहाँ पर आएँ, अनुभव करें। और जब लोग यहाँ पर आना चालू करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा। और ये बहुत ही ज़रूरी है, कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग घूमने टहलने के लिए आएं और यहाँ के शासन प्रशासन भी कुछ मदद करें, ताकि ब्रांडिंग की भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, कि लोग अच्छी तरीके से आसानी से घूम सकें। तो ये जो वीडियो का मुख्य उद्देश्य था कि मिर्ज़ापुर के जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, मिर्ज़ापुर एक ज़माने में भारत देश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के नाते, और बहुत अच्छा रहा है कुल मिलाकर हमारा लोग का। अब बहुत ही बड़ी एक तरीके से कहा जाए ये जगह है, चट्टाने हैं, विशाल डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन फिर बाद में इसको सोनभद्र मिर्ज़ापुर से कट गया, फिर भदोही संत रविदास कट गया, इसके कारण ये सारी चीज़ें रही। इधर चलेंगे क्या? हाँ। पानी में से आप देख सकते हैं कि पहाड़ों को चीर करके कुछ पेड़ अंकुरित हुए हैं और विशाल काय पेड़ बन गए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति कुछ भी कर सकता है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में ये बरगद का पेड़ है जो बड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ही एडवेंचरस कह लिया जाए या अनोखा कह लिया जाए, ये सारी चीज़ें आपको इस ट्रिप में मिला। और हम लोगों ने बहुत ही एक तरीके से कहा जाए प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग आए, घूमें, बहुत अच्छा लगा। और हमारे स्थानीय भाई ने भी बहुत बढ़ चढ़ के मदद करी। बहुत ही अच्छा एक तरीके से कहा जाए ये ट्रिप है। पानी का बहाव निरंतर बह रहा है और बहुत सही है ये। ये देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग इस पानी को पीते भी हैं और बहुत ही औषधिपूर्ण पानी भी है, तो पानी पिया जा सकता है, साफ सुथरा पानी है, तो बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं यहीं से पानी नीचे फॉल में गिरता है। और ज्ञान जी, तो आप पीछे दिखाइए कितना दिव्य जगह लग रहा है। यहाँ से सारे
यहीं से पानी नीचे गिरता है, फिर यहाँ से फॉल से नीचे गिरने के बाद आगे एक डैम बना है ददरी डैम, वहाँ पे पूरा चला जाता है पानी। और फिर उसके बाद सरकार इस पानी को बहुत सारे गांवों को, सैकड़ों गांवों को सिंचाई के लिए इस पानी का उपयोग करती है। तो ये रहा हमारा आज का टूर सिरसी डैम और सिरसी फॉल पे। मैं विजय दुबे, कैमरामैन ज्ञान के साथ, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप भी मिर्ज़ापुर की इन प्राकृतिक सुंदरता को देखें, और जो ईश्वर ने इस प्राकृतिक सुंदरता को अपने हाथों से पिरोया है, बनाया है, इतना सुंदर अलौकिक शानदार जगह बनाया है मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर में प्राकृतिक सुंदरताओं का एक श्रृंखला है। तो आप लोग, विनम्र निवेदन है हमारा और हमारे टीम और न्यूज़ एक्सप्रेस मीडिया की तरफ से, कि आप मिर्ज़ापुर में आए, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरताओं को अवलोकन करें, और इन सुंदरताओं को आप मिर्ज़ापुर में प्लस विश्व के हर एक कंट्रीज़ में, भारत के हर स्टेट में फैलाएं, ताकि इस प्राकृतिक सुंदरता को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें। मैं विजय दुबे, कैमरामैन ज्ञान के साथ, न्यूज़ एक्सप्रेस मीडिया .com। धन्यवाद।